अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सीख लें ऑनलाइन की एक और नई वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो हमारी सेवंथ वीडियो है मोबाइल ब्लॉगिंग की, जो कि मैंने पिछले कुछ दिनों से स्टॉप कर दी थी, जो कि रुक गया था। कोई मेरा काम था करने वाला तो मैं वो कर रहा था, इसलिए दूसरी इससे हटकर आपके लिए वीडियोज लेकर आया। तो अब जो है वो कोशिश करूंगा कि इसको रेगुलर रखूं, वीक में एक जो है वो मोबाइल ब्लॉगिंग की वीडियो लाजमी आ जाए, ताकि जो मोबाइल यूजर्स हैं जो कि मोबाइल पर अपना ब्लॉग रन करना चाहते हैं उनको कोई डिफिकल्टी ना आए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे मोबाइल से गूगल सर्च कंसोल, जो कि वेबमास्टर टूल भी कहलाता था पहले दिनों में, तो अब जो है वो इसमें आप कैसे अपनी वेबसाइट को या ब्लॉग को पुट कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, और उसका साइट मैप कैसे आप इसमें सबमिट कर सकते हो। वीडियो के अंत तक देखिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि कोई भी ब्लॉगिंग की या कोई इस तरह की वीडियो जो कि आपके लिए फायदेमंद होती है वो आप मिस ना कर सको। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको मोबाइल से बताते हैं कि कैसे गूगल सर्च कंसोल में अपनी साइट को इंडेक्स किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा क्रोम, गूगल क्रोम को हमने इसको ओपन कर लेना है, इस एप्लीकेशन को। तो ये हमारी साइट है valuejobsdaily.com, जिसको हमने इंडेक्स करवाना है गूगल सर्च कंसोल में। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल को सर्च करना है, ठीक है। और सबसे ऊपर नज़र आने वाली जो वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ स्टार्ट नाउ का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपने कोई और ईमेल लगाई होगी तो वो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपने वो वाली ईमेल सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपकी अभी लगानी है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं valuejobsdaily@gmail.com अपनी मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें अपना साइट को मैंने सबमिट करवाना है। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने किसी और पहले से कोई साइट किसी और ईमेल से सेलेक्ट की होगी तो यहाँ इसको आपने घबराना नहीं है, ये आपके नहीं ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले टॉप पर जाऊँगा मैं, यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसको डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करूँगा, ताकि कुछ स्पेस बढ़े और कुछ हमें समझ आए, ठीक है। तो यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको तीन लाइनें नज़र आ रही होंगी, तीन लाइनों पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाता है, ये देखें। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और नीचे प्लस ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन, दो ऑप्शन आ जाएंगे सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप के, एक तो होगा डोमेन के ज़रिए, एक होगा यूआरएल प्रीफिक्स के ज़रिए। डोमेन के ज़रिए आपने सिंपल अपनी डोमेन लिखनी होती है, ठीक है। और अगर आपने सेम मेल से अपना ब्लॉग बनाया और सेम मेल से आप गूगल सर्च कंसोल में जो है वो उसको ऐड कर रहे हो, तो इसने उसी टाइम जो है वो आपकी वेरिफिकेशन कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने अलग अलग मेल्स यूज़ किए हैं सर्च कंसोल में सबमिट करने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए, तो आप यूआरएल प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डीएनएस वेरिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल है। इस पर आप डेडिकेटेड वीडियो जो आपको बना के दे दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इसका ऑप्शन नहीं है, आपको ये मुश्किल लगता है, तो आप जो है यूआरएल प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको कंप्लीट प्रोटोकॉल्स के साथ इसको लिखना होगा, मींस के HTTPS अगर आपकी वेबसाइट के साथ प्रोटोकॉल है तो आपने वो यूज़ करना है। अगर HTTPS के साथ, HTTP के साथ आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो आपने वो यूज़ करना है। तो इसको यूज़ करेंगे, आपके पास एक कोड आएगा, HTML कोड, आपने वो कोड कॉपी करना है और अपनी साइट पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ जो है वो मैं डोमेन अथॉरिटी को पहले इसको कर लेता हूँ valuejobsdaily.com, ठीक है। और इसको करता हूँ मैं कंटिन्यू। तो यहाँ देखिए ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपकी मेल जिससे आपने ब्लॉग क्रिएट किया है वो सेम है, और आपकी मेल जिससे आप सर्च कंसोल बना रहे हो दोनों सेम है, एक ही मेल से आप दोनों चीज़ें बना रहे हो, तो वही ऑटो वेरीफाई कर लेगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से डन, और यहाँ मैं तीन लाइनों पर आकर दोबारा से सर्च प्रॉपर्टी और ऐड प्रॉपर्टी के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए यूआरएल प्रीफिक्स का ऑप्शन सेकंड आपको समझा देता हूँ। यहाँ आपने क्या करना होता है, यहाँ आपने अपनी साइट के https://www. अपनी साइट का डोमेन, ठीक है, जैसे कि मेरी एक साइट है पोएट्री स्टेटेड है XYZ, इसके ऊपर मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। तो यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, एक ऑप्शन आ जाता है HTML टैग का। HTML टैग को आप जो है वो यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स टैग और डोमेन नेम प्रोवाइडर, इस सब का। तो सबसे इजी मेथड यही होता है कि HTML टैग को आपने कॉपी करना है और अपनी साइट के सेंटर में जाकर बोर्ड हेड के ऊपर जो है वो आपने इसको लगा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी के बटन पर मैंने क्लिक किया और ये जो है वो
कंटेंट सारा कॉपी हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसके ऊपर क्लिक कर दी, कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ न्यू टैब क्रिएट करता हूँ। न्यू टैब क्रिएट करने के बाद यहाँ जाता हूँ ब्लॉग पर, ब्लॉगर पर, blogger.com पर, blogger.com पर जाने के बाद यहाँ से मैं अपनी मेल सेलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर poetrystatus.com जो है वो बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ से मैं अपना ब्लॉग सेलेक्ट कर लूँगा पोइट्री स्टेटस वाला। और यहाँ ब्लॉग के थीम में आपने जाना है, थीम में जाने के बाद कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके एडिट एचटीएमएल के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर तीन डॉट पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे आपने कर लेना है। कुछ इस तरह की साइट जो आपके सामने खुलकर आ जाएगी, आपने दोनों फिंगर से इसको जूम इन कर लेना है। और यहाँ मैं इसको थोड़ी सी स्पेसेस बनाकर यहाँ मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। तो यहाँ गूगल साइट वेरिफिकेशन वाला कंटेंट जो है वो यहाँ मैंने कर दिया है पेस्ट। और यहाँ आकर इसको मैं कर दूंगा सेव। तो अपडेट सक्सेसफुली आ चुका है। तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट उसी टैब पर हम वापस जाएंगे। तो यहाँ जाएंगे वापस और यहाँ ओनरशिप वेरिफिकेशन के ऊपर आकर हमने इसको कर देना है यहाँ वेरीफाई के बटन पर क्लिक। तो यहाँ देखिए ओनरशिप वेरीफाइड हो चुकी है थ्रू HTML टैग के ज़रिए। ये दोनों मेथड थे जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं आपके अपने मोबाइल से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि हमने साइट मैप को कैसे सबमिट करवाना है। तो यहाँ से मैं अपनी डोमेन प्रॉपर्टी जो है वो valuejobsdaily.com वाली जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ एक साइट मैप के ऑप्शन पर। यहाँ तीन डॉट जो है उस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने जाना है यहाँ साइट मैप पे ऊपर। साइट मैप पर जाना है, यहाँ आप अपनी अपनी साइट का लिंक और साइट मैप जो है वो यहाँ लिखना है। तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं साइट मैप। आपने क्या करना है, कोई भी न्यू टैब जो है वो ओपन कर लेनी है। न्यू टैब ओपन करने के बाद अपनी वेबसाइट का URL valuejobsdaily.com, उसके बाद मैं स्लैश डालूँगा, स्लैश के बाद sitemap.xml, ठीक है, और गो के बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं गो के बटन पर क्लिक करूंगा आपके सामने कुछ इस तरह सा भद्दा सा जो है वो कोड लिखकर आ जाएगा। आपने घबराना नहीं है, ये आपका साइट मैप है और ये इस कोई भद्दा सा कोड नहीं, ये आपकी जो ब्लॉगर की पोस्टें होती हैं, जो आपने अपनी वेबसाइट की पोस्टिंग की होती हैं वो सारी यहाँ शो हो रही होती हैं, उसके लिंक्स यहाँ आ रहे होते हैं। तो आपने जो है वो इन सारे लिंक्स को जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, ऊपर जाता हूँ और इस लिंक को करता हूँ कॉपी। उसके बाद मैं वापस जाऊँगा अपनी उसी साइट मैप वाली टैब पर, यहाँ आऊँगा। यहाँ आने के बाद इसको मैं करूँगा यहाँ पेस्ट साइट मैप XML, ठीक है, इसको मैं करूँगा सबमिट। तो यहाँ देखें गूगल विल चेक दिस। तो यहाँ देखें हमारा जो है वो स्टेटस सक्सेस उसी टाइम आ चुका है और URL जो है वो 12 डिस्कवर्ड भी हो चुके हैं। हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमारे जो है वो URL कितने डिस्कवर हुए हैं और हमारी जो है पोस्टें कितनी हैं। हम जाएंगे अपने उसी valuejobsdaily.com के ब्लॉगर सेक्शन में, ठीक है, तो और यहाँ जाकर जो है वो हम यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी टोटल पोस्टिंग जो है वो पब्लिश हुई हुई है 12 और गूगल सर्च कंसोल ने जो साइट मैप है उसने भी मेरी जो है वो 12 पोस्टिंग है वो यहाँ से काउंट कर ली है। और कुछ देर में जो है वो मुझे बाकी के जो है वो उसकी कवरेज और बाकी जो है वो सारा कुछ मिल जाएगा कि मेरे कितने लिंक्स जो हैं वो और कितनी पोस्टिंग जो है वो इंडेक्स हुई हैं, कितनी नहीं हुई, क्या एरर आ रहे हैं मेरी वेबसाइट पे, ओवरव्यू और परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ जो है वो 4 से 8 घंटों के दरमियान यहाँ मेरे पास आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको कंप्लीट गाइड किया है कि आपने कैसे जो है वो गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है, ब्लॉग को सबमिट करना है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में आकर यहाँ आप रिमूव प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा गूगल एनालिटिक्स के ऊपर कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल एनालिटिक्स में सबमिट करवाना है।
तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इस तरह की अच्छी वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो सके, आपकी जो है वो हेल्प होती रहे। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।